अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, यहाँ पर जो कोलार शहर में इलाहाबाद नगर अक्सा मस्जिद में वहाँ पर जो मदरसा है, जो सालाना जलसा चल रहा है, आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम मुद्दत में अल्लाह ताला ने यहाँ तक तरक्की अता फरमाई। अल्लाह ताला का मेरे फजल उसका एहसान है। और आने के बाद हर साल एक नए तालीम के अंदर निखार पैदा करने के लिए, तरीक़ाकार के लिए कई मकातिब का जायजा लिया गया। जो मकातिब में जो चीज़ अच्छी होती इस मकतब में लाने की कोशिश की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 4-5 सालों के अंदर 50 से ज़ायद तलबा ने नाज़िर कुरान मुकम्मल किया है। और गुज़िश्ता साल हमारा असर था कि बच्चों को सरकार साल तक मकतब से जोड़े रखेंगे। इसके लिए जो बच्चों का तकमील कुरान हुआ है उनको शोबे इसमें दाखिला दिलाया। अल्हम्दुलिल्लाह 22 तलबा शोबे इसमें शरीक थे, 17 तलबा ने एक पारा मुकम्मल किया, बाज़ तलबा ने दो पारे मुकम्मल किए, बाज़ तालिबात ने एक पारा यासीन सूरह रहमान सूरह वाकिया सूरह लूत मुकम्मल किया। इसमें हमारे यहाँ पूरा कुरान हिफ्ज कराना मकसूद नहीं है, मकतब के अंदर उतना वक्त नहीं होता। हमारे यहाँ एक मिलता मुतय्यन है, लड़कों के लिए दो पारे और लड़कियों के लिए एक पारा, साथ में सूरह यासीन सूरह रहमान सूरह वाकिया और सूरह लूत जो उनके औलाद हैं वो हिफ्ज कराए जाते हैं। और अल्लाह का बड़ा एहसान है, सारे शहर के अंदर एक बोर्ड इम्तिहान चलता है, सारे शहर के तलबा वहाँ इम्तिहान देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फख्र है इस मकतब के लिए, 4 साल में भी बराबर पहले नंबर पर हमारा मकतब कामयाब रहा। गुज़िश्ता 23 तलबा पोजीशन हासिल किए थे, इंसान 26 तलबा शरीफ थे, 17 तलबा मायानास कामयाबी हासिल करके सारे शहर के अंदर पहले नंबर पर कामयाब हुए। पिछला साल सभी शुरू किया गया और साथ में जो बच्चों की हाजिरी की पाबंदी नहीं थी उनके लिए एक स्कीम शुरू की गई कि महीने भर में एक दिन भी चुकाए बगैर जो बच्चा हाजिरी की पाबंदी करेगा उसे इनाम माहाना दिया जाएगा। और इसी तरीके पर दूसरा काम ये सोचा गया कि मस्जिदों के अंदर नमाजी खत्म हो रहे हैं कि इसलिए मकातिब ही से नमाजी भी लेंगे, नमाज के मुहाफिज बने, उनके लिए छूट दी गई। स्कूलों के अंदर नमाज अदा करने की उनकी रियायत नहीं थी तो उनके लिए वो नमाजें कजा करने की गुंजाइश दी गई थी। और इसी तरीके पर महीने में एक मरतबा फहम अखलाक और तरबियती वर्कशॉप चलता था, बच्चों की वालिदैन की अजमत और अकीदों पर रिसालत पर महीने में एक मरतबा उनकी जहन साजी की जाती थी। और इसी तरीके पर 3 हफ्तों के अंदर हर हफ्ते के अंदर उनको नमाज की अमली मश कराई जाती थी, जैसा कि आज बच्चे ने नमाज पढ़कर दिखाई है। 14 वाजिबात है, शराइत है, फराइज है, रुकू की सुन्नतें हैं, क़ियाम की सुन्नतें। सारे तलबा थे जिनका नाज़िरा ख़त्म होना था लेकिन एक दो वाले थे, लेकिन अगले इत्मीनान की वजह से अगले सालों के लिए रुक दिया गया है। 8 तलबा नाज़िरा कुरान मुकम्मल और 22 हिफ्ज की क्लास में से 22 तलबा में से 17 तलबा ने एक पारा हिफ्ज किया है और बाज़े तलबा ने दो पारे डेढ़ पारे सूरह यासीन सूरह रहमान सूरह वाकिया हिफ्ज किए हैं। और ये हिफ्ज करने वाले बच्चों के लिए अगले साल छुट्टी नहीं है, उनके लिए नई क्लास शुरू की जाएगी और उसकी क्लास का नाम होगा पहले दीन क्लास होगा। उसके अंदर बच्चों को हिफ्ज के साथ दीनिया के तालीम इस्लाम के शुरू के दो हिस्से पढ़ाए जाएंगे और उनको उर्दू सिखाई जाएगी, इसलिए कि दीनी किताबें उर्दू में हैं, उर्दू के जरिए से इनके अंदर मुताले का शौक पैदा किया जाएगा और दीन से वाबस्ता रखा जाएगा। और हमारे यहाँ एक नक्शा खींचा गया है, बच्चे को 17 या 18 साल तक हमारे पास रखेंगे, हिफ्स होगा, हिफ्स के बाद एक साल पहले दीन होगा, एक साल पहले सीरत होगा, एक साल पहले माश होगा और एक साल पहले मामलात होगा। तो ये इसके अंदर मुख्तलिफ निसाबात होंगे, उन निसाब के जरिए से बच्चों को यहाँ जोड़ कर रखेंगे ताकि बच्चों की ईमान की हिफाजत हो जाए। लेकिन हमारी बड़ी उम्मीद थी आज से तकरीबन 4-5 साल पहले लगाई गई, जिस तरीके पर लड़कों को रखा जाएगा इसी तरीके पर लड़कियों को रखने के लिए हर मस्जिद के करीब मस्जिद से लगा हुआ लड़कियों के लिए मकतब होना जरूरी है। हमारी उम्मीद है इंशाल्लाह दुआ आप लोगों की दुआ होगी तो भी जल्द बनकर तामिल हो जाएगा इंशाल्लाह, इस पर भी अमल जारी है। अगले साल एक दूसरा काम शुरू किया जाएगा,
ये कि इस साल हमारे यहाँ एक तजर्बा हुआ कि मुख्तलिफ मकामों के बच्चे हमारे यहाँ आए तो हमने उनको मुख्तलिफ क्लासों में डाल लिया, तो उसके अंदर जो पुराने बच्चे थे उन बच्चों का ज्यादा हर्ज हो गया। इनकी तस्वीर करते करते उनके गुरुओं को सीधा करते करते हमारे बच्चों को बहुत नाना हो गया। तो आपस में आकर परसों मीटिंग हुई, चंद दिन पहले मशवरा किया गया अगले सालों में दूसरे मकाते से आने वाले बच्चों की तजवीज अगर अच्छी हो तो क्लासों में दाखिल किया जाएगा, वरना उनकी अलग तस्वीर की क्लास शुरू की जाएगी। सबसे पहले उनके मुरानी कहने की तस्वीर होगी, उसके बाद उनको क्लास दिया जाएगा, उनकी अलग से क्लास होगी। और इसी तरीके पर इस साल एक तजर्बा यह हुआ कि गुज़िश्ता हमारे यहाँ एक मेयार था कि एक साल के अंदर बच्चे का नूरानी कहना खत्म करके कुरान लेना शर्त था, और बहुत सारे बच्चों ने इस पर फॉलो किया, और बहुत कम बच्चे जिनकी जहन की दबावत की वजह से, जहन कुल होने की वजह से डेढ़ साल या एक साल हो गया उनका नूरानी कहना खत्म नहीं हुआ। इस पर बड़ा अफसोस और दुख है, और इसके लिए हमने सोचा कि इस साल सोचा उन बच्चों को भी काबू में लाने के लिए रमजान के बाद उनकी अलग से क्लास बनाई जाएगी, और यहाँ के असातिज़ा को जो नूरानी कहने का हीरीन है टुनकुर है और आबूर है ऐसे मुख्तलिफ जगहों पर माहिर असातिज़ा है, उन माहिर असातिज़ा के पास तजर्बे के लिए भेजा जाएगा एक दो दिन के लिए, तीन चार दिन के लिए वहाँ भेज कर। इस मजलिस में खड़े होने की सआदत नसीब फरमाई, और फिर मौलाना मौलवी यासीन साहब को भी मैं बहुत ही ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे अपने मदरसे में कुछ कहने के लिए खड़ा किया है। हालांकि हमें तो हमारे शहर के काजी साहब से इनकी अहमियत पर और मदारिस की अहमियत पर सुना है, बस सभी हमने जो कुछ देखा है वो हमारे सामने ज़ाहिर है कि असातिज़ा ने और नाज़िम साहब ने बच्चों के ऊपर कितनी मेहनत की। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ही का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इस खिदमत के लिए हज़रत को कबूल फरमाया, और हम यहाँ पर तकरीबन 20-22 साल से देखते हैं कि इस मस्जिद का क्या हाल था और मदारिस इस मस्जिद में मदरसे का क्या हाल था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हज़रत की यहाँ पर आमद हुई और हज़रत ने यहाँ पर बच्चों के ऊपर इस मकतब के अंदर कैसे खिदमत कर घरों में चौराहों पर भी गुजर सकता था,
परवरदिगार ने मेहरबानी फरमाई, अपने घर में उठाया, अपने कुरान और अपने महबूब की बातें सुनने का मौका इनायत फरमाया। और मैं भी आप ही की तरह इन तलबा के प्रोग्राम से महसूस हो रहा था। अल्लाह तबारक व तआला को अपने महबूब सैयदुल्अव्वलीन वल्आखिरीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत है, तो उसने अपना महबूब का नाम आपको अता फरमाया और पढ़ने का अंदाज भी, लबो लहजा भी अपने महबूब और उनके साथियों के ज़रिए से सिखलाया। कुरान मजीद जो शानदार अंदाज से पढ़ते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे ख़ास तौर पर मोहब्बत